पठानकोट का सिविल हॉस्पिटल जो कि अक्सर ही सुर्खियों के विच रहिंदा है। वजह है कि पिछले दिन जो इतने एक महिला डिलीवरी लई आई सी तो उस नाल डाक्टरों वालों चंगा वतीरा नहीं किया गया, जिस करके महिला ने लेबर रूम के फर्श उत्ते ही बच्चे नूं जन्म दे दिता सीगा। और अजिहा ही कुछ कल भी वेखन नूं मिलिया। कल जदों एक हिमाचल तो औरत इतने डिलीवरी के लिए आई तो डाक्टरों वालों उस नूं कहा गया कि तुहाडी डिलीवरी जिहड़ी है शाम तक हो जाएगी, पर शाम नूं जिस वेले डाक्टरों नूं यह अंदाजा होया कि बच्चे की हार्टबीट बंद है तो उस नूं उत्थों दी रैफर करता गया। दूसरे होस्पिटल जाके बच्चे की डिलीवरी हुई तो सही, पर बच्चा मरिया होया पैदा होया। अजिहे विच सिविल अस्पताल के उत्ते कई सारे सवाल खड़े होंदे ने ते और लोगों वालों साफ तौर पर मंग की जा रही है कि संबंधित डाक्टरों के खिलाफ़ तो स्टाफ के खिलाफ़ जी कार्रवाई की जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम। की गलबात हुई है सर? बात ऐसी हुई थी, हमारी जो बेटी थी उसका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा था और जब जो डिलीवरी डेट दी थी यहाँ की दी हुई थी। जब हम बेटी को लेके आए सुबह 9 बजे पहुँच गए यहाँ पे, इन्होंने बोला कि बस आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। हमको 2-3 मिनट के बाद हम पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे इनको, बोले कि ठीक है आप बच्चे के कपड़े लाओ और बच्चा ठीक ठाक है। जब रात के हम इंतज़ार करने बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, हम बार बार पूछ रहे थे, बार बार हमें यही जवाब आ रहा था। जब इनके बस से बाहर हुआ, बच्चे की हार्ट बीट इनके पेट में ख़त्म हो गया। जब हमने इनको पूछा कि जैसे कोई आपके बस की बात है, नहीं तो हम इसको आगे पीछे ले जाते, इन्होंने हमारे को कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बच्चे की हार्ट बीट बच्चा पेट में ख़त्म हो गया तो इन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि इसकी दर्दें ख़त्म हो गई हैं और ये दर्दें नहीं ले रही, आप आगे पीछे ले जाओ। हम रात के उस टाइम कहाँ ले जाते, हम क्या करते उस वक्त? हमारे पास तो कोई बस की बात नहीं थी, हमारे पास ऐसा कोई भी चारा नहीं था। हमने बेटी को उठाया और लड़की की इतनी बुरी हालत थी कि हम किसी को बता नहीं सकते। कोई भी हॉस्पिटल वाला उसको हाथ नहीं डाल रहा था। जब हम इनके बारे में बता रहे थे तो वो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था। फिर बस हो के हमें 2-3 हॉस्पिटलों के बाद कुमार हॉस्पिटल मिशन में हमें एडमिट किया। जब बेटी जब बेटा हुआ तो उन्होंने पहले बोला कि बच्चा तो ख़त्म हो चुका है पेट में, फिर भी हम कोशिश करते हैं, काफ़ी उनकी मदद कर, पैर मतलब के पकड़ पकड़ के हमने डॉक्टरों को बोला प्लीज़ हमारे बच्ची को तो बता लो, वो तो बच्चा तो ख़त्म हो गया हमारा बेटा, और बच्ची को, इस बच्ची को बचा लो। फिर हमने अपना खुद ही हमारे फैमिली ने ब्लड दिया और उस बेटी को वो इस वक्त जूझ रही है, मतलब कि उसका नहीं पता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमें मतलब के न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम हमारे साथ हुआ, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप कंप्लेन दे रहे हो रिटर्न में? बिल्कुल जी, हम गए हैं अंदर, उन्होंने बोला कि हमारे को बताओ और हम रिटर्न में दे दो, हम इस पे कार्रवाई। क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि इतनी लापरवाही क्यों, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? इनके बस की बात नहीं तो हमें पहले बोल देते। क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन की कोई भी सुविधा नहीं है? हम इनसे पूछना चाहते हैं, हमें ये बताया जाए कि क्या इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो सकता था? क्यों हमारे साथ इतना बुरा किया हमारे साथ? मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी डेट थी 18 को। जब हम 18 को इनके पास आए तो इन्होंने हमें कहा कि आप 20 को सुबह 9-10 बजे के आसपास आ जाइएगा, ठीक है। 18 को इन्होंने हमारी फाइल बनाई, वो अपने पास इन्होंने डिपॉजिट कर लिया, अपने पास रख ली, फाइल हमें नहीं दी। जब कल हम 20 तारीख को इनके पास आए, सुबह 9-10 बजे पहुंच गए, तो इन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, पेशेंट को जो अंदर ले गए, इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी कुछ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं, रात को हमें 1:30-2 बजे पहले शाम को हमें कहते रहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 1:30 बजे जब इनको पता लगा कि बच्चा बीच में ख़त्म हो चुका है, तब जो हमें कहते हैं कि आप इन्हें आगे पीछे कहीं पर भी ले जाइए। इन्होंने हमें रेफरल कार्ड दिया जिस पर इन्होंने कुछ हमें नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए या कहाँ पर लेके जाए। या तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर आप लेके नहीं जाओगे तो हमें लिख के दे दो कि बच्चे और वाइफ को आपकी इधर कुछ भी हो जाए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कितने बजे की बात है जो? ये रात को 1:30 बजे की बात है जब इन्होंने हमें कहा कि आप ले जाइए इधर से। आप ऐसा मुद्दा को मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें कहा है कि आप एप्लीकेशन लेके दे दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये मेरे बच्चे का खून किया इन्होंने। जब अगर इनके बस की बात नहीं, इनके पास डॉक्टर्स नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए,
जब मुझे पाँच हम सुबह 9-10 बजे के आ रखे थे, ये हमें शाम को 5-6 बजे तक बता देते, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक बता देते, हम अपना कहीं पे और करवा लेते। इन्होंने रात को 1:30 बजे हमें कह रहे हैं कि आप इसको ले जाओ, अदरवाइज हमें लिख के दे दो कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। डॉक्टर में ट्रीटमेंट कर रहा है उनका, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। वो अप्रोक्सीमेट सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उधर से एडमिट है और अभी तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ओटी के अंदर। अगर उनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल जो हॉस्पिटल है, ये जो ट्रीटमेंट्स कर रहे थे डॉक्टर्स और नर्सिस, ये उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। सर एक पेशेंट आया सीगा अपने डिलीवरी वास्ते काटूंगा और वो कहा कि डॉक्टर दी इनवैलिड करके जेड़ा उन्होंने बच्चे की डेथ हुई थी। कंसर्नड परिवार वालों सानू एक रिटन कंप्लेंट डॉक्टर दे अगेंस्ट मिल गई हैगी है, तो यदी असी जिहड़ा हैगा बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बिठा के इनक्वायरी करांगे, तो जो भी दोषी होएगा उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में चुनावों की बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम। आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम हैं AMI न्यूज़, आपकी आवाज़। आपकी आवाज़।